बन्या विपन्नक पई सरकार को निर्देश थिला कि तुरंत से मानकु क्षतिपूरण मिलबो जो मानकर घर भांगी जाइछि से मानकु सहायता देबे तबे ए जो सब तथ्य जो रहिछि सब इंक्वायरी करिवे तबे जेतबे कहबा तहसीलदार को निर्देश रे इंक्वायरी करा जिवो आरआई माने पहुँचबे तबे एनै कहबा गोटे प्रकार परितापर विषय पलटिछि तबे कहबा पट्टामुंडे जो तहसीलदार अछन्ति शरत चंद्र गिरी को दुर्व्यवहार रे महिला माने अतिष्ठ होइ जाइछन्ति एवं मध्य धारण में वर्तमान से सुधा प्रतिवाद करुछन तबे जड़े तहसीलदार को दुर्व्यवहार को निश्चित भाव कहवा गोटे निंदनीय परिस्थिति सृष्टि होते कह पट्टामुंडे 4 नंबर वार्डर महिला मैंने अच्छा म्युनिसिपालिटी अंचल तेज कह से महिला मानु शुणा तहसीलदार प्रकृत पक्षे कौन दुर्व्यवहार करते आप बास्तव चित्र देखुं जोटा रही आम बर्तमान पट्टामुंडे तहसीलदार कार्यालय परिसर में अच्छा बास्तव चित्र आप देखु महिला मानक जो गरीब महिला मैंने आम तहसीलदार शरत चंद्र गिरी दुर्व्यवहार करते तेज कौन रही प्रतिक्रिया कौन कहे मौसी आप कौन आसते तहसीलदार आप कौन दुर्व्यवहार कले कौन का आसलु पहर दिन आम नेट्रे देखल आमर आसनी तेणु काम से आसलू बुझाप गोटे दरखास्त लिखिक देलु जो तहसीलदार कति गलु कह तुम आईपर तुम आगु कुआ देख कि आप तो का बाहर कले आज आम आसलु ना ना हो पार जदि आप न करे तो ये दस्खत कर दिखते मुझे नहींजी आओ ना ना हो पार आदि दौच दि मुझे डस्टबिन पकईदेवि तेरे मुझे कहे यार कौन मूल्य ना आम आपको जो पैसा खर्च कर गरीब लोक आनीचु यार कौन मूल्य ना तुम्हें कौन आमको न्याय दबन तो यह कह कह हाउ जाओ ये बाहर जाओ हाउ जाओ बाहर जाओ सब बाध्य पदा को आसली आ आप कौन भावुंत कौन कह बर्तमान प्रशासन स्तर में जो तहसीलदार अच्छा आप सरकार को कौन कहे आम दुखटा आम शुणिले टे भल लगे आम जो बनार जो ये भी असुविधा अच्छा टी जा देखिए आमको सुविधा करदे भल तो निश्चित भाव में कह जो बनिया विपन्न सरकार निर्देश रही है और सब जिलापा निर्देश रही बनिया विपन्न परिवार को किभली भाव सहायता जगै देवा एने निश्चित भाव कह शरत चंद्र गिरीजी अच्छा पट्टामुंडी तहसीलदार दुर्व्यवहार जन महिला निश्चित भाव कह गए निंदनीय परिस्थित सृष्टि कौन कह मौसी आप कौन आस घर द्वार भांगी आमको पैसा मिलना ना आमर किसी ना जहाँ पर न भांगी तर निष्ठी चली आम जी कहला बेलू कौन तुम कर पारना आई आउ कि तुम हो पार ना तुम यू पड़े जा रही मत यह कह मुझे निरुपाय आम कौन उपाय कर जहाँ पर अच्छी घर कोठाबाठी घर तक लिस्ट अच्छी आम मटी घर घर आम अन्न जगार जा पालट गई रही आमर लिस्ट ना कहते तुम कल नहीं पछरे पछरे आम हाँ केत करी ना ये से आई तो कटिगलानी आम ये तहसीलदार भेटी थे ये जो से घर अच्छे आम से कहूँ से कह तुमर हो पार नहीं आम ये कथा कह तो निश्चित भाव में कह जो परिस्थिति सृष्टि होती पट्टामुंडे अंचल जोटा कह राजनगर निर्वाचन मंडल चित्र आम आपको देखा साधारण गरीब लोकों चित्र देखु जो बनिया समय निश्चित कह पा पशि जाता लोक मैंने किभली भाव दुर्दशार दिन काटूते तेज कह बर्तमान पाल तले जीवन बिताऊँच जे मौसी कहते तेज एटिकार जी अच्छा तहसीलदार शरत चंद्र गिरी गरीब लोक मान कथ शुणुना तेज वास्तव चित्र कौन रही कौन कह आप घर भांगी बात्या जाइए जाकि इनक्वारी करके आसिले इनक्वारी करके आसलापर से कौन कले पार्टी हाँ आम पछ जो देखू कि आम घर आसनी जो लिस्ट आसला समस्त घर आमर घर ना जो पैसा आसनी आम आस तहसिले का कहला को आम पांच जन महिला भितर को पशिलु पशिला भितर से सार आमको पचार तुम्हें कुआडे आस आम कहल कि यकम आम अभोग करने आस कहीं आमर पैसा आम तो लिस्ट में आम ना आसने सार कह आम कि बुझीपरू नहीं तुम यू शीघ्र बाहरी जाओ आमको से जो गोटे स्त्री लोक से अच्छा दुआर बस डकैले से आमको पेले बाहर तो गोटे प्रकार कथा कह जो महिला मान जो अभियोग रही अच्छा कर्मचारी द्वारा तहसीलदार निश्चित भाव महिला मानक धक्का मारी कार्यालय परिसर बाहर करवास्तव चित्र कौन रही है आज्ञा जितेबाला कह सरकार निर्देश रोचे जिलापा निर्देश रोचे तेज तहसीलदार दबंगीर साधारण जनता पड़ू तेज एभली परिस्थित सृष्टि होती पट्टामुंडे अंचल राजनगर निर्वाचन मंडली तेज मुझे कहे राजनगर निर्वाचन मंडल जी अच्छा विधायक एथप्रति दृष्टि दौना तेज ध्रुवचरण साहू जी अच्छा विधायक मानवर विधायक सी गरीब लोक मान भोट्रे निर्वाचित होती विपन्न पर भेटापी प्रतिक्रिया रही निश्चित भाव कह गए परिताप विषय पड़े कौन आप आज्ञा कौन आप समस्या रही समस्या आज्ञा बनार घर बुड़ी जाए भांगी 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 नारे
ମୁଁ ଆସି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି, ମୋ ଦରଖାସ୍ତ ସଫାଡ଼ ଦେଲି। ପ୍ରଥମ ଫୋନରେ ମୁଁ ଆସି ତହସିଲଦାର ଭେଟିଥିଲି, ତହସିଲଦାର ମୋତେ ମୋତେ ଏଠୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବୁ ନା ପଳେଇଯାଉ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଭେଟିଲି, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠା ବି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଠାକୁ ଧରି ମୁଁ ତହସିଲଦାର ଦେଲି, ତହସିଲଦାର ଖବର କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା ଏଠି କିଛି ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର କିଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଯିବା, ତେବେ ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ତେବେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଯେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସାର୍ଙ୍କ ଜନତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲ ପରିସରରେ ଯିବା, ତହସିଲଦାର ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ତହସିଲଦାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ତହସିଲଦାର ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ ଜଣେ ବି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ, କ'ଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗରିବ ମହିଳାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିପନ୍ନ ପରିବାର କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା, ଜଣେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା କହିବା। ଯେତେବେଳେ କହିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, RI ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବିପନ୍ନ ପରିବାରଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ପଟାମୁଢ଼ି ତହସିଲ ପରିସରରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।